नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे SBI का एक नया NFO लॉन्च हुआ है, मतलब कि अब वो फंड आ गया है, आप उसमें लमसम भी कर सकते हो, SIP भी शुरू कर सकते हो, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये एनर्जी सेक्टर का एक सेक्टोरियल फंड है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, 6,650 करोड़ से ऊपर इसका AUM जा चुका है, मतलब कि काफी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। आज अपन बात करेंगे कि आने वाले साल में ये कितने रिटर्न दे सकता है, बहुत सारे की पॉइंट्स पे जो कि NFO के टाइम पर हमने बहुत सारी चीजें बताई थी, उसके बेस पर हम बहुत सारी चीज देखेंगे, जो कि एक PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर। और मैंने जो डाउनलोड किया हूं उसमें से मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाता हूं। इसमें सबसे पहला ये है कि 2024 से लेकर 2050 तक ये कितने रिटर्न दे सकता है, कहने का मतलब काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है, बहुत सारी चीजें होने वाली है क्योंकि इस बीच में। अब देखिए, सबसे पहली चीज है कि देखिए, भारत का एनर्जी मार्केट बहुत तेजी से बूम हो रहा है। एनर्जी मार्केट से मतलब है कि पहले लोग कम एनर्जी में, कम बिजली में अपना काम चला लेते थे, लेकिन देखिए पहले के टाइम पर ज्यादा लोगों के घर फ्रिज नहीं होती थी, AC नहीं होती थी, TV नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे हर एक गरीब से गरीब परिवार के पास भी मोबाइल है, TV है, फ्रिज है, और कई कई लोगों के पास AC भी है, और AC नहीं है तो कूलर है, बहुत सारी चीजें हैं, और आज के टाइम पर वाटर हीटर है, मतलब ये हर तरीके से एनर्जी का बहुत तेज कंजम्पशन हो रहा है। तो भारत का भी एक बहुत तेज मार्केट है कि एनर्जी और भी तेजी से खपत हो, ऐसे ही बहुत सारी। तो 2050 तक एनर्जी मार्केट बहुत तेजी से बूम हो रहा है, इसी कारण अगर 2025 यानी कि अभी 24 से बात करें तो 2050 तक ये इसकी अगर ग्रोथ की बात करें एनर्जी मार्केट की, कि लोगों की ग्रोथ की, तो 6.4% से CAGR से बढ़ रही है। CAGR से बढ़ेगी, तब ने यानी कि वो लगाया है, अनुमान लगाया है कि इतना बढ़ सकती है। CAGR की बात कर रहा हूं मैं, CAGR से मतलब ये होता है कि हर साल इतनी ग्रोथ। तो देखिए 26 साल में इतनी भी ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रोथ है इस चीज में। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें तो देखिए, अभी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घर को सोलार पैनल से एक करोड़ घर में सोलार पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी के लिए अनाउंसमेंट किया है, एक नई योजना निकाली है, वो योजना पहले से थी लेकिन उसको अपडेट कर दिया गया है। तो 1 करोड़ घर जिसमें 3 किलोवाट तक के लगाने पे काफी अच्छी सब्सिडी मिल रही है, मतलब कि देखिए एनर्जी बहुत तेजी से वो हो रही है, तो लोग लगवाएंगे बहुत सारी क्योंकि बड़ी बड़ी सब्सिडी मिल रही है। अगर आप 3 किलोवाट का, अगर मैं इसे नॉर्मल बताऊं, 3 किलोवाट का अगर आप लगाते हो तो 1.5 लाख का खर्चा आएगा, उसमें 78,000 के आसपास आपको सब्सिडी मिल जाएगी, मतलब कि आधे के इतना खर्चा लग रहा है, और आपको 5 साल में खर्चा रिकवर हो जाएगा, 25 साल तक आपको बहुत सारी चीजें चलेगी। अगर इसके ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बना दिया। अगर 1 किलोवाट का लगा दे तो 20,000 सब्सिडी, 40-50,000 का खर्चा, ऐसे ही 2 किलोवाट का आप अपने एनर्जी के कंजम्पशन के हिसाब से लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो प्रकृति की वो है, कहने का मतलब है तो यहाँ पर अपन को हवा भी मिल जाती है, तो विंड से भी बन जाती है, ऊपर सूरज से रोशनी अपने पास बहुत अच्छी आ जाती है, तो यहाँ पर अपन सोलर पैनल लगवा सकते हैं, और कोल भी है अपने पास, लेकिन कोल का कंजम्पशन धीरे धीरे कम करना है, इस कारण भी ऐसी चीजें कर रहे हैं। अब देखिए, इसी के साथ साथ अगर भारत का एनर्जी कंजम्पशन की ग्रोथ की बात करें, यानी कि नॉर्मल देशों के हिसाब से, जैसे कि बहुत सारे देश हैं, जैसे कि आप ग्राफ में देख ही पा रहे होंगे, मैं लगा दूंगा फोटो, तो उसमें देखिए भारत की ग्रोथ सबसे ज्यादा है, कई देशों की तो गिर रही है, चाइना जैसे देशों की और बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे देशों की गिर रही है, लेकिन भारत की 2.5% मतलब कि सबसे तेज ग्रोथ से बढ़ रही है। तो देखिए, इससे अपन एक ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये मतलब कि जो फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि एनर्जी मार्केट है, एनर्जी मार्केट बहुत तेजी से बूम होगा, काफी अच्छे अपन को रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए, ये एक प्रकार से सेक्टोरियल फंड है, सेक्टोरियल फंड से मतलब है एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहा है, हो सकता है कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिले तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिले, लेकिन अगर किसी कारण से इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो आपको इसमें कम रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि जब भी अपन सेक्टोरियल फंड में पैसा लगाते हैं तो पर्टिकुलर अपने पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा अपन को सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एक आपका हिस्सा बनाना चाहिए, मतलब पोर्टफोलियो का 10%, 20%, 30%,
आपकी रिस्क एबिलिटी के हिसाब से कि ऊपर नीचे कितना रखना है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, अलग अलग प्रकार के सेक्टोरियल फंड में डाल सकते हो, मतलब कि इतना परसेंटेज रखना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरियल फंड में गिरावट भी कई बार बहुत तेजी से हो जाती है, रिटर्न भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो रिस्क रिटर्न के रेशियो को देख दाख कर अपनी समझ के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से और आपकी रिस्क एबिलिटी के हिसाब से देखकर इन्वेस्टमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा।